प्राइवेट कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने पेमेंट दे दिया है। एचएल कंपनी हवाई जहाज डिलीवर कर गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एचएएल को 1,00,000 करोड़ रुपए का सरकारी ऑर्डर देने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में अपने बयान के समर्थन में वह या तो दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें। 20,000 करोड़ रुपए बिना एक हवाई जहाज बनाए आप दे देते हो और पब्लिक सेक्टर कंपनी हेलीकॉप्टर बनाए आपको दे दे, हवाई जहाज बना के दे दे, आप उनको उनका पैसा नहीं दे रहे हो। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। यहां पे उनकी स्टेटमेंट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स एंड केसेस एट टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी। टेक्निकल इवेल्युएशन का मतलब पैसा देना नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने 73,000 करोड़ का दिया है ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। और जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक झूठ बोला, दूसरे भी दो तीन झूठ बोले हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल, और मैं फिर से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं और निर्मला सीतारमण जी से पूछता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? जब मैंने यह सवाल निर्मला सीतारमण से पार्लियामेंट में पूछा, उन्होंने बहुत लंबी बहाने की कहानी दी कि मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, ये वो है, वो भी झूठ था। मगर हां और ना का जवाब निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं निर्मला सीतारमण जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मेन मुद्दा यहां मैं फिर से युवाओं को बताना चाहता हूं, यह आपका पैसा है, यह अनिल अंबानी का पैसा नहीं है। और जो 2.5 घंटे का भाषण डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन कहना चाहिए, जो उन्होंने 2.5 घंटा का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने मेरा यस नो का जवाब नहीं दिया। नंबर दो, उन्होंने यह नहीं बताया कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को किस बेसिस पे दिए गए, और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और आपने देखा भाई और बहनों कि देश के जो चौकीदार हैं वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफेल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाए, मुझे 15 मिनट दे दो, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं, पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। और पूछिए, आप पहले निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रहे थे, आप अभी भी उस पर कायम हैं? सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने क्लियरली, यहां देखिए, झूठ बोला है लोकसभा में, क्लियरली झूठ बोला है, बोला है 1,00,000 करोड़ रुपए के हमने ऑर्डर एचएएल को दिए हैं। उन्हीं की स्टेटमेंट में आज वो कह रही है 26,570, और उन्हीं की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये जो बाकी 73,000 करोड़ है टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रहा है इनका। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब पैसा नहीं होता है मैडम, तो क्लियरली झूठ बोल रही है। और वो तो डिस्ट्रैक्शन वाला झूठ था, वो तो देश की नजर को उधर करने का झूठ था। मेन जो उन्होंने झूठ बोला, जब मैंने यस नो का सवाल पूछा, उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया, मुझे ह्यूमिलिएट किया, मैं मिडिल क्लास की हूं। सबसे पहले वो मिडिल क्लास की नहीं है, मगर वो अलग बात है। हमारा सवाल, उसका आप जवाब दीजिए ना। और मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि भैया 2 पैराग्राफ का जवाब दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया वहां पे 2 घंटे का भाषण दो, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप यस नो बोल दो।
और हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उनको पूछिए आप। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं युवाओं सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास किया, 126 करोड़ रुपए हवाई 126 हवाई जहाज और 526 करोड़ रुपए पर हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ने कैंसिल किया और नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया 1600 करोड़ रुपए और 36 हवाई जहाज। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैंने नहीं किया, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सीनियर मोस्ट आदमी है उसने कह दिया मैंने नहीं किया, मतलब एक ही आदमी कर सकता है नरेंद्र मोदी। अब लोगों ने नेगोशिएशन किया, 8 साल 10 साल नेगोशिएशन चल रहा था, जिन लोगों ने नेगोशिएशन किया उनको इतराज हुआ होगा कि भाई प्रधानमंत्री ने कैसे कर दिया, हमारा काम रद्द कर दिया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने बाईपास सर्जरी की, उन लोगों ने जिन्होंने नेगोशिएशन किया था, एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था? क्या उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी बाईपास सर्जरिंग आवर वर्क? क्या उन्होंने कहा? निर्मला सीतारमन जी, यस नो, जस्ट वन वर्ड, यस और नो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।